Hello guys, welcome to ArcGenesis. I am Harshita. Today we are going to do shadings. मैंने पहले से ये drawing बना के रखा है क्योंकि drawing बनाने में time लगता है, वो फिर video बहुत लंबा हो जाता है. तो आपको कोई भी अपने घर में कोई भी objects लेने हैं और उनको साथ में रखना है और उसके बाद में हम उसके still life बनाएंगे और shading वगैरह करना है उसको फिर, ठीक है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है. सबसे पहले मैंने एक ड्राफ्ट बना लिया है शेडिंग करके. अब इसमें सिर्फ शेडिंग का काम है ना. मैंने सिर्फ वो तैयार कर लिया है एक मोटा मोटा कि यार ये चीज़ मुझे बनानी है. अब सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट है और ये प्लास्टिक का है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें शेडिंग्स वगैरह होगी. अब करते हैं अपन. ये ग्लास है तो इसमें मैं ग्लास का शेड दे रही हूँ. मैं आपको देखो कि मैं कैसे करती हूँ. जैसे एक ग्लास में ये वाला शाइनी पार्ट है, यहाँ पे शाइन आ रही है तो इधर से मैं थोड़ा लाइट रखूँगी और उसके आसपास डार्क दूंगी, जैसे पैचेस, जिससे कि लगेगा कि हाँ यहाँ पे शाइन पड़ रही है, ये जगह शाइन मार रही है. ये डेप्थ में है पास में, इसलिए इसको हम थोड़ा डार्क करेंगे. मैं भी 8B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, आप 3B कर सकते हैं क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा डार्क कर रही हूँ. और जहाँ पे डार्क करना हो वहाँ पे आप लोग 6B वगैरह का यूज़ कर लेना. पहले मैं ना सारा लाइट एरिया वाला है ना वो सब कवर करूँगी, फिर उसके बाद में मैं डार्क वाला पोर्शन करूँगी. और पहले आप ऑब्जेक्ट बना लेना, फिर उसके बाद में क्या डायरेक्ट शेडिंग मत करना, थोड़ा ना साइड में कर करके ऐसे देख लेना साइड में पेपर के. मैंने इसका बॉटम तैयार कर दिया, एक बार ही पूरा हो गया. इसके बाद अपन लोग इसको मर्ज कर लेंगे थोड़ा. ये कॉइल है तो ये थोड़ी डार्क होगी क्योंकि ये वाला पूरा डार्क कर लेना पोर्शन कॉइल का क्योंकि, ठीक है? और ये सारा मेटल का बना हुआ पोर्शन होता है. एक देखो मेटल में ना ऐसे पूरा करते हैं एक बार, है ना, बिल्कुल मर्ज करना होता है मेटल में. जैसे ग्लास पे तो आप थोड़ा लाइन से करते हो तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है, मेटल के अंदर आपको पूरा मर्ज करना है और फिर उसके बाद में जहाँ शेड करना होता है वो वहाँ शेड दिखाते हैं. कि मैंने डार्क पोर्शन दिखा दिया, इसलिए इसके लिए ना थोड़ी पेंसिल हल्की सी डाउन कर लेना, उससे दिख जाएगा. ये मैंने कर दिया. अब इसके बाद में अपन इसको बनाते हैं टिफ़िन को. टिफ़िन का स्टफ प्लास्टिक का होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शेड करना बता देती हूँ कि कैसे करना है. सबसे पहले अपन करेंगे, ये थोड़ा डीप में है तो इसको हम डार्क देंगे. तो डार्क के लिए मैं 6B ले लेती हूँ क्योंकि फिर वो ज़्यादा डार्क नहीं करना है मुझे. पहले मैं एक बार लाइट कर लिया है, अब मैं उसको जहाँ पे डेप्थ दिखानी है ना मुझे, मैं वहाँ थोड़ा डार्क कर लूँगी, ऐसे डेप्थ शो करते हैं.
ये डेप्थ हो गया। ठीक है, और एक मिनट मेरा हाथ काला हो जाएगा, इससे मैं पेपर रख लेती हूँ यहाँ पे। अब लाइट शेड कर लिया, अब इधर से डार्क कर रही हूँ मैं थोड़ा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है आपको। आप कोई भी तीन ऑब्जेक्ट रख लीजिए, फिर तीन, फिर उसके बाद में अलग अलग उसके रखिए मटेरियल के। उससे क्या है, आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि हाँ इस मटेरियल को ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। एक जैसा मटेरियल मत लीजिए। ये लाइट कलर में है इसलिए मैं लाइट कर रही हूँ इसको। यहाँ से मुझे हल्का डार्क दिखाना है तो मैं दिखा दिया, ये पीछे से हल्का सा लाइट। उसके बाद अपन ये क्लोथ समथिंग कुछ है यहाँ पे, तो इसमें अपन अलग करेंगे। ये वाला तो होगा डार्क पोर्शन। देखा ना आपने, यहाँ पे जो स्टफ यूज होता है वो थोड़ा लाइनिंग लाइनिंग सा होता है। और ये ऊपर वाला पोर्शन है इसलिए थोड़ा ऐसा है। नीचे वाला देखो, मैं एक मेरी पेंसिल से आप कर लेती हूँ। ये वाला थोड़ा डार्क है। और ये वाला भी उसी का पार्ट है, और ये उल्टा है इधर से, तो इसको भी मैं इसी वाले उसमें करूँगी। यहाँ से डार्क होगा क्योंकि दूसरे के पीछे जा रहा है एक ऑब्जेक्ट के, तो इस पर थोड़ा शेड आएगा उस ऑब्जेक्ट का, इसलिए ये थोड़ा मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक डिज़ाइन बनानी है, और इसके ऊपर चाहो तो आप कुछ कंपनी की ब्रांडिंग वगैरह वो भी कर सकते हो, उससे थोड़ा रियल लगता है। आप वो भी कर सकते हो, या फिर कोई पैटर्न बना सकते हो। जैसे मैंने कोई भी पैटर्न बनाया है इसके ऊपर, पैटर्न को मैं थोड़ा डार्क कर दूंगी। इसमें क्या, मेरे को बिल्कुल मर्ज करना है इसलिए मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो आप स्टम्प्स भी यूज़ कर सकते हो, और आपके पास स्टम्प्स नहीं है तो ईयरबोर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और अभी इसका बॉटम पार्ट अपन को बनाना है। अब बच गया सिर्फ ये वाला पोर्शन। मैं इसके बॉटम से स्टार्ट कर रही हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट की कैप बना दी है, मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ।
मैंने मार्जिन कर दी यहाँ पे। बस ये कुछ तरीके होते हैं हाईलाइट करने के ऑब्जेक्ट को। ये देखो यहाँ से हाईलाइट रहेगा वे। ओके, अब अपन ने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब सबसे मेन काम अपन को करना है अब इसका बॉटम, जो ये कहीं तो रखा होगा ना, तो उसका सरफेस बनाना पड़ेगा। सरफेस बनाने के लिए मैं 8B पेंसिल ले लेती हूँ क्योंकि डार्क हो जाएगा वो। ये सरफेस है, कभी भी मत भूलना, अगर सरफेस नहीं बनाई ना तो समझ लो सामने वाला समझ जाएगा कि यार इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बहुत से बच्चों तो सरफेस बनाना भूल जाते हैं। अरे सरफेस तो मेन पार्ट होता है, उसको आपको बनाना ही कंपलसरी है आपके लिए। और कभी भी अपन लोग ऐसे बनाते ना तो सरफेस कंपलसरी है, आपको बनानी ही है। शो हो रहा ना मेरी सरफेस है, और जहाँ जहाँ पे ये बना हुआ है ना वहाँ से डार्क करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डार्क क्यों करते हैं अपन लोग, क्योंकि उसकी शेडो दिखाता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि इस वाले पोर्शन में आपको डार्क रखना है, बिल्कुल डार्क कर दो। ठीक है, इधर थोड़ा डार्क रखना है, इसके आसपास थोड़ा डार्क रखना है। ओके, और यहाँ पे भी डार्क रखना है थोड़ा। और आपका ऑब्जेक्ट रेडी है। सो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हम मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, और ईमेल भी कर सकते हैं हम लोगों को। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।